अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड एंड माय व्यूअर। तो चले देखें कि मैं क्या बना रही हूँ। तो फ्रेंड, आज मैं स्पेशल रेसिपी बना रही हूँ। आपने आज से पहले ये रेसिपी कभी नहीं खाई होगी, खाई हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छी अच्छी और न्यू रेसिपी बनाती रहूँगी। और फ्रेंड और व्यूअर, आप लोग मुझे फॉलो करते रहें। तो चले देखें कि आज मैं क्या बना रही हूँ। तो फ्रेंड, मैं कीमा, मटर, आलू और फूलगोभी बना रही हूँ। तो फ्रेंड, इसमें मैंने दो प्याज लिए हैं, गरम मसाला, हरी मिर्ची, रेड मिर्ची हम यूज़ नहीं कर रहे, नमक, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरा धनिया। तो फ्रेंड, देखते रहें और मेरे साथ रहिएगा कि मैं कैसे बना रही हूँ ये रेसिपी। तो फ्रेंड, ऑयल मैंने ले लिया है जो गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले मैं इसमें प्याज ऐड करूंगी। तो फ्रेंड, प्याज हमने ऐड कर दिया है, इनको मैं अच्छी तरह प्याजों का फ्राई करूंगी। फ्रेंड, देखते रहें कि मैं कैसे बना रही हूँ आलू, मटर, फूलगोभी और कीमे की रेसिपी। टेस्टी एंड स्पाइसी, आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो कमेंट लाजमी कीजिएगा और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपी बनाती रहूँगी। और फ्रेंड, आप लोग मुझे फॉलो करते रहें तो मेरे साथ रहिएगा, फुल वीडियो देखिएगा कि मैं कैसे बना रही हूँ आज की रेसिपी। और फ्रेंड, प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। अभी हम सबसे पहले कीमा ऐड करेंगे, क्योंकि कीमे को हमने उबाला नहीं है, हम इसी में फ्राई करेंगे। तो आप भी ऐसे ही बनाना और देखते रहें कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो फ्रेंड, कीमा मैंने ऐड कर दिए, इसी में मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। देखते रहें कि मैं कैसे बना रही हूँ। और फ्रेंड, 5 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है ऑयल में कीमे को। तो महक भी इसकी देखें ख़त्म हो गई है, तो हमें उबाला बिल्कुल नहीं है। इसी में मैं पकाऊंगी ऑयल में ही, और टमाटर ऐड किए थे मैंने। देखें 5 मिनट हो गए। तो फ्रेंड, इसमें मैं अपनी अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और फ्रेंड साथ ही मैं नमक ऐड कर रही हूँ, इसी के साथ मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ। तो फ्रेंड, 3-4 मिनट इसको मैं ऐसे ही फ्राई करूँगी, अदरक लहसुन को भी और इसको भी, और साथ ही हरी मिर्ची को। तो रेड मिर्ची हम नहीं यूज़ करते। ये बहुत अच्छी रेसिपी बनती है, आपने आज से पहले कभी नहीं खाई होगी। तो खाई हो तो फ्रेंड मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इसको मैं 3-4 मिनट ऐसे ही फ्राई करूँगी। तो देखते रहें फ्रेंड एंड व्यूअर, और मेरे साथ रहिएगा, फुल वीडियो देखिएगा। और फ्रेंड, कीमा हमारा अच्छी तरह फ्राई हो चुका है, गल गया है। तो देखें अभी इसमें मैं मटर ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड, इसी के साथ मैं आलू ऐड कर रही हूँ। तो लुक देखो फ्रेंड कितनी अच्छी आ रही है, वाइट, ब्राउन एंड ग्रीन। तो फ्रेंड, अभी हमारी गोभी रह गई है। तो फ्रेंड, अभी मैंने गोभी भी ऐड कर दी है। आपने आज से पहले ये रेसिपी कभी नहीं खाई होगी, तो फ्रेंड देखें
कितनी अच्छी लुक आ रही है। और फ्रेंड मैं 5-6 मिनट तक इसको हल्की आंच पे रखूंगी, फिर फ्राई करूंगी। तो आंच मैंने कम कर दी है, इतनी आंच पे रखूंगी 6 मिनट के लिए। तो आप देखिएगा इसकी लुक 6 मिनट बाद कैसी आती है फ्रेंड एंड व्यूअर। और फ्रेंड देखिए हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। तो इसमें मैं अभी गर्म मसाला डाल रही हूँ, इसी के साथ मैं धनिया ऐड कर रही हूँ। तो फ्रेंड आपको ज़रूर पसंद आएगी आज की ये मेरी रेसिपी। गोभी, आलू, मटर और कीमे की तो देखें लुक कितनी अच्छी आ रही है फ्रेंड। तो फ्रेंड हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है, लुक देखें कितनी अच्छी आ रही है। तो आपको ज़रूर पसंद आएगी आज की रेसिपी। आलू, मटर, फूलगोभी और कीमा मिक्स मैंने 4 चीज़ों की ये रेसिपी बनाई है। ये आप वाइट चावलों के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ। तो फ्रेंड अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारा। तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। ऑल माय फ्रेंड एंड व्यूअर्स, सी यू।